तो अभी हम यहाँ भाजन और ईशान भाई का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उनका इवेंट 2 बजे खत्म हो गया है। तो अभी वो लोग भी आ रहे हैं, अभी हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं। तो ईशान भाई भाजन आ गए हैं और अभी हम अंदर जा रहे हैं आमिर किला और टिकट लेंगे और अंदर घूमेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू लॉन्ग ब्लॉग। आज का ब्लॉग है आमिर किला स्पेशल। बहुत ही ऊपर है फ्रेंड्स, अभी हम ऊपर ही चढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ से नीचे का व्यू कितना प्यारा आ रहा है। अभी हमें ऊपर जाना है, ऊपर से टिकट मिलते हैं, ऊपर से टिकट लेंगे हम। सो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ से ऊपर आ गए हैं, इधर अभी अंदर जाएंगे। ये गेट है, देखिए मैं सबसे पीछे चल रहा हूँ फ्रेंड्स व्लॉगिंग की वजह से। और देखिए जगह जगह चीज़ें भी मिल रही हैं राजस्थानी। यहाँ से बाइक का आने का है, यहाँ से बाइक से भी आ सकते हैं। और यहाँ से जो रास्ता है वो पैदल की है। सो फ्रेंड्स, अभी हम इधर आ गए हैं, अभी टिकट लेंगे। टिकट नहीं लिया है हमने यहाँ से। देखिए कितना ज़्यादा रश है इधर। यहाँ से स्टार्ट होता है मेन आमिर किला, नीचे तक का बस ऐसी था पैदल चढ़ने का। टिकट ले लो, अब गाइड मत करो, गाइड कर लिया था हमने पहले। इधर ईशान भाई डिस्कस कर रहे हैं गाइड करें या ना करें। इस टाइम आए थे तो हमने गाइड करा था, तो जल्दी जल्दी गाइड ने सब घुमा दिया था और हम पूरी तरीके से देख नहीं पाए थे। सो हम सोच रहे हैं टिकट ना लेकर हम ऐसे ही घूमें विदाउट टिकट, और टिकट लेकर विदाउट गाइड घूमें क्योंकि आराम से घूमेंगे इत्मीनान से। अभी हमारे पास 4:20 हुए हैं और 5-6 बजे तक शायद खुला रहता है ये। सो आराम से इत्मीनान से हम घूम लेंगे पूरा आमेर किला। व्यू यहाँ का भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है फ्रेंड्स, देखिए। और रश भी बहुत ज़्यादा है। अभी टिकट लेंगे तब जाएंगे ऊपर, तब आएगा मज़ा, असली वाला मज़ा। तो फ्रेंड्स, हमने टिकट ले लिया है अपना। सो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा आमेर किला। सो अभी टिकट चेक इन होंगे। टिकट बाबू के पास 100 रुपये का, 80 रुपये बचे हमारे। तो फ्रेंड्स ऊपर आ गए हैं अभी, ये देखिए। फ्रेंड्स ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने गाइड कर लिए हैं और गाइड हमें प्रॉपरली सब बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ किस तरीके से मतलब स्टार्ट हुई थी और उसका क्या इतिहास है, क्या हिस्ट्री है, वो सब बता रहे हैं। और ये हमारी पूरी फैमिली, ऐसा होता गाइड कर लो तो अच्छे से सब समझ में आता है। ये है हम्माम स्नान घर। फ्रेंड्स यहाँ का व्यू देखिए कितना ही प्यारा है। ये अभी हम इस वाले गेट से अंदर जाएंगे। और पता है वैसे टिकट था 102 रुपए का, लेकिन मैं स्टूडेंट आईडी मैंने लगा दी तो मेरा टिकट मिला है 22 रुपए का। ये देखिए सुरंग जैसी है, बिल्कुल लाइटें जलने लगी हैं क्योंकि हम की अब रात होने लगी है। चिमनी लगी हुई है, लकड़ी से लगा लेते थे, कॉपर लगाते थे, पानी गर्म हो जाता था, गर्म पानी इस हॉल से आता था, यहाँ से सनलाइट आती थी, उसकी जो भाप आती थी स्ट्रीम, उसकी जो बूंदे फेस करती थी, नेचुरल स्ट्रीम आ चुकी है आजकल पार्लर में। पुराने टाइम का बात टप है, ये चेंजिंग रूम है फ्रेंड्स। सो अभी हम बाहर निकल गए यहाँ से, अब अच्छे से हम एक्सप्लोर कर पा रहे हैं क्योंकि गाइड कर लिया था, वो सब इत्मीनान से सब चीज़ें बता रहे हैं। मैं पूरी चीज़ तो आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग ब्लॉग हो जाएगा। बस जो भी मेन पॉइंट है जो मैं गाइड बता रहा है बस वही बता रहा हूँ। देखिए पूरा नेचुरल पेंटिंग से बना हुआ है और इसका नाम है गणेश पॉल। अभी हम इस गेट से अंदर जा रहे हैं और ये आ गए हैं हम शीश महल में। यह है शीश महल, इसमें मिरर लगे हुए हैं, अंदर जाना अलाउ नहीं है, अंदर नहीं जा सकते हैं। अभी शीश महल देख लिया है, अभी इस वाले गेट से अंदर जाएंगे और देखेंगे इधर क्या है। और बताए वो है फ्रेंड्स, वो जयगढ़ है। अभी अगर टेलीस्कोप से देखना होता हम देख लेते, 20 रुपीज़ चार्ज था लेकिन देखा नहीं हमने। देखिए अभी इधर आ गए हम फ्रेंड्स। राजा की जो रानियां थी वो 12 रानियां थी राजा। अभी मैम ने बताया ये सीक्रेट रास्ता है, सीधी रास्ता है, चलते रहो बस, लाइट वगैरह कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है जैसा गुफा जैसी। ये रास्ता जयगढ़ के लिए गई है, सुरंग है बंद कर दी गई है। अभी अब हम आ गए यहाँ से, निकल वहाँ से गए थे और यहाँ से निकल कर आ गए मानसिंह महल। It means,
रानी के लिए मर्सिडीज गाड़ी, क्योंकि रानी वैसे भी कॉमन पब्लिक के सामने आ नहीं सकती, रानी कोर्ट के बाहर जा नहीं सकती, उसे इस गाड़ी में घूमना एडमिशन उसके लिए मर्सिडीज का। और ये थी पहले के टाइम की नेचुरल एसी। तो यहाँ की लाइट जल गई है फ्रेंड्स। ये मेन मानसिंह राजा के द्वारा बनवाया गया एक मानसिंह राजा 12 उनकी रानियों का महल है। रानी का सेपरेट पोर्शन हुआ करता था। 1, 2, 3 तो फ्रेंड्स काफी ज्यादा एक्सप्लोर कर लिया है, काफी ज्यादा मैम ने बता दिया, बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में बता रही है मैम, तो बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा है। अब पता नहीं आपको आवाज कैसी आ रही है क्योंकि मैंने माइक तो लगाया नहीं है। आज हमारी और प्रिंसेस की ट्यूनिंग हो गई है, मैंने भी रेड पहनी है टी शर्ट और प्रिंसेस ने भी रेड कपड़े पहने जो कि मैंने दिए थे, आपको ध्यान होगा जो आप लोग देखा होगा। लेकिन जब भी ये कहीं घूमने जा रही है तो सो जा रही है, पता नहीं क्यों, देखिए अभी भी सो रही है। तो मैंने सोचा इसके साथ एक क्लिप ले लूँ, क्लिप मैंने ली नहीं है बिल्कुल भी इसके साथ। तो हमारी और प्रिंसेस की ट्यूनिंग आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। रेड रेड फर्स्ट टाइम हुआ ये, अभी हम नीचे उतर रहे हैं यहाँ से, देखिए यहाँ म्यूजिक चल रहा है राजस्थानी म्यूजिक। कठपुतली का डांस है ये। तो फ्रेंड आपने कठपुतली का डांस कैसा लगा आपको? मैंने फर्स्ट टाइम देखा था ये भी, तो मैंने क्लिप ले ली, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं मैं ये। सो अभी हम यहां से नीचे उतर आए हैं, सुरंग का रास्ता देखिए, ये सुरंग के रास्ते हैं। ये देखिए ये पहले की कढ़ाइयाँ आई है जिसमें राजाओं महाराजाओं के लिए खाना बनता था। देखिए इधर भी कठपुतली का डांस है, लेकिन हम पीछे देख आए तो हम दोबारा नहीं देखेंगे। दीवाने आम का टाइम, ये हिस्ट्री लिखी पूरी आप पढ़ सकते हैं, इसे पढ़ो तो टाइम लगता है, इसलिए आप पाउज करके आप पढ़ लेना, इंटरेस्टेड हैं आप अगर पढ़ने में। देखिए यहाँ मार्केट भी है, बैग वगैरह मिल रहे हैं, सब जयपुरी सामान है, राजस्थानी और जयपुरी, देखिए राजस्थानी जयपुरी टोपी। सो फाइनली फ्रेंड्स हम आमेर किला घूमेंगे। अभी हम आपको एक चीज बताते हैं, टिकट जो हमने लिए थे 102 रुपए का एक टिकट था, लेकिन मैंने अपनी स्टूडेंट आईडी लगा दी तो मेरा 22 रुपए का टिकट ही पड़ा, तो मुझे फायदा हो गया इसमें फ्रेंड्स, अदरवाइज मुझे भी 102 रुपए का टिकट लेना पड़ता। बाकी 6 टिकट लिए, एक स्टूडेंट का टिकट लिया जो कि 22 रुपए का मिला। स्टूडेंट आईडी थी जिसे मैं कैरी करके ले आया था, सो मैंने वो उसमें यहाँ अप्लाई कर दी, दिखा दिया, तो मेरा टिकट 22 रुपए का पड़ गया। देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ से गए थे और पूरा घूम के किला और यहाँ से हम वापस आ गए। बस ये था आज का हमारा जयपुर का दिन, अभी हम निकलेंगे अजमेर शरीफ के लिए। बहुत ही अच्छा था और बहुत ही ज्यादा चीजें हमने कवर करी। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा आमेर किला कमेंट में जरूर बताना, मुझे इतना मालूमात नहीं थी, जो भी हमने गाइड करा था उसने ही बताया था, और थोड़ा बहुत पता था तो आपको बताया। गाइड हमने इसलिए करा, वैसे हम गाइड नहीं कराते, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, लेकिन गाइड ने इसलिए करा था कि हम सब चीजें इत्मीनान से जान लें, और फिर हमें रास्ता भी नहीं मालूम थी, इस वजह से गाइड ने हमें सबसे अच्छे तरीके से चीजों को एक्सप्लोर करवाया, और फिर हमें ऑन टाइम, अभी टाइम हो रहा है 5:15 वो हमें नीचे भी ले आएगा। अभी हम जैसे फ्रेंड्स ऊपर आए थे वैसे हमें यहाँ से नीचे उतरना है, तो बहुत ही ज्यादा थकने वाले हैं फ्रेंड्स हम। अभी तो आपके पास हम फोटो खिंचवाएंगे, ये है तो अच्छे से घूम लिए, अभी यहाँ से उतरेंगे। उतरने में मजा भी आता है क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी उतरते हैं। दोनों मिक्स करना है बहुत टेस्टी है फ्रेंड, ले लो बाबू ये वाली ले लो, आधे किलो याली ले लो ना बाबू, ये दो तीनों एक ही है, ये वाइट अलग है। फ्रेंड्स यहाँ की मिठाई खाई, बहुत ही टेस्टी मिठाई है। सो फ्रेंड्स मिठाई ले ली, जोधपुरी मिठाई 1/2 kg ले ली, बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी। चढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है, उतरने में नहीं लगता है, इतना जल्दी जल्दी उतरते रहो बस। चलो वो, अरे हाँ ईशान भाई भी तो आए पीछे। सो फ्रेंड्स फाइनली ऊपर से नीचे आ गए, हमारा फैमिली फोटो आ गया फ्रेंड्स, देखो कितनी प्यारी लग रही है हमारी फैमिली, माशाल्लाह जरूर बोलना। बाय बाय आमेर किला। तो ये था हमारा विजय पैलेस, हमने होटल लिया था, होटल से हमने लगेज लिया और बस स्टॉप आ गए, यहाँ से हमें बस मिली अजमेर शरीफ के लिए। तो अभी हम यहाँ ढाबे पे रुके हैं कुछ खाने के लिए, रात का हमने खाना नहीं खाया है, अभी आधा घंटा करीब रह गया है, अभी 11-12 बजने वाले हैं, 25 मिनट हैं 12 बजे, फिर हम अजमेर शरीफ पहुँचेंगे, अभी खाना खा लेते हैं, भूख लग रही है बड़ी तेज वाली। तो अभी हमने अच्छे से खाना खा लिया है और अभी बस में बैठते हैं और अजमेर शरीफ पहुँचते हैं, उसके बाद में आपसे मिलते हैं। 2 hours later सो ये है हमारा अजमेर का होटल, ये रूम है माशाल्लाह, ये सब देखिए डेकोर करके रखा है, अच्छा लग रहा है ना आपको रूम, और ये मिरर, ये वॉशरूम है,
मैं सोच रहा था छोटा होगा लेकिन बड़ा है। ये नहाने का इधर तो अभी हम अजमेर शरीफ आ गए हैं और हमें होटल भी मिल गया है बहुत ही अच्छा। तो अभी टाइम हो रहा है 2:25। तो अभी हम इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ये जयपुर से अजमेर शरीफ तक का ब्लॉग था। अजमेर शरीफ हम आ गए हैं खैरियत से। अभी जब सुबह उठेंगे दरगाह पर जाएंगे तब अगले दिन से दूसरा ब्लॉग नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो अभी इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया तो इस ब्लॉग को एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। ये देखिए दो रिमोट रखे हुए हैं और ये हमें सॉप मिला है साबुन और ये LCD लगी है इधर। इधर हमारा सब लगेज आ गया है। बाबू भी आ गए हैं, अम्मी भी आ गई हैं और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से डेकोर करा है ये कंबल और इधर भी। तो आपको अजमेर शरीफ का होटल कैसे लगा कॉमेंट में बताना।